नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, रीवा त्योथर मध्य प्रदेश से कमांडो सेना द्वारा सुहागी गौशाला में भूसा डैम्पिंग का कार्य चालू है। आपको बताते चले, कमांडो सेना प्रमुख श्री अरुण गौतम का लगातार प्रयास जारी है भूसा डैम्पिंग के लिए, ताकि जुलाई माह तक व्यवस्थित रहे, ताकि किसानों का फसल नष्ट होने से बचाया जा सके। आवारा पशुओं की हो रही है रेड, एक्सीडेंट पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे कमांडो सेना की पूरी टीम बड़ी ही तन ममता के साथ इस कार्य को अंजाम दे रही है। प्राग एक्सप्रेस न्यूज से कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। ताकि कल फिर लेकर आना है ना, कल जब लेकर के आओ तो आप लोग के लिए आसान रहे, आ रहे हो ना? हाँ, कल जब लेकर के आओ तो फिर आसान रहे, बाकी खाने पीने का टेंशन ना लो, ठीक है ना? इतना मेहनत करोगे उस हिसाब से भी आपके साथ। इस गौशाला में भी गेट वोट की व्यवस्था नहीं है क्या? यहाँ पर गेट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर टैंकी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं है, बहुत दुर्दशा है। आपने किसी अधिकारी से इस बारे में? मैं शिव साहब से बात किया, मैं बोला कि अगर आपने 4 महीने पहले यहाँ का निरीक्षण करके गए तो अभी तक काम क्यों नहीं चालू हुआ? भैया, अभी 4 महीने हो गए, गेट इसमें लगना चाहिए। अभी हम इतना महंगा भूसा पैरा खरीद करके ले आते हैं ना, फ्री में तो कोई आता नहीं, सब जो है तो 30,000-32,000 के आते हैं, और इसके बावजूद ये सब दिन भर हम भूसा पैरा इकट्ठा करें, रात भर चोर चोरी करके ले। ये शासन के दिशा निर्देशानुसार क्या ये गौशाला बन के कम्प्लीट होकर चालू है? चालू चालू तो कागज में है, लेकिन ग्राउंड में आप देख रहे हैं, ग्राउंड में देख लीजिए क्या स्थिति है। ठीक है, सुहागी गौशाला है इसका एक। ये सुहागी गौशाला का संचालन क्या आपने लिया है? हाँ, मैंने लिया है, कमांडो सेना ने लिया है। इसलिए लिया है कि यहाँ पर जो अभी हम लोग एक हिंदू समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं एक गौपुत्र हूँ, अगर मैं इनको इनका रक्षा नहीं कर सकता तो फिर हमारा गौपुत्र कहलाने कोई हक नहीं है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर जो बोलते हैं कि मैं पूजा के लिए गौ का गोबर चाहिए, तो गौ के प्रति आस्थापना जमाएं। ठीक है, यहाँ पर जितना भी भूसा डंप किया जा रहा है वो आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से हो रहा है, हमारा श्रमिक। इसका बिलिंग कौन कर रहा है? बिलिंग तो अभी जब होगा तब होगा, अभी तो हम स्वयं कर रहे हैं। आप स्वयं इसकी व्यवस्था कर रहे हैं? जो भी खर्चा है अभी तक हमने तकरीबन 2 लाख के करीब हमने। अभी यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे करवा रहे हैं? पानी का तो अभी टैंकर से आ रहा है पानी, अभी इस मुद्दे पर कल मैं SDM साहब से मिलूंगा और बोलूंगा कि तत्काल जो है तो पानी की व्यवस्था कराई जाए। ये जो गेट है ये कब तक में लग जाए, कुछ आश्वासन अधिकारियों ने दिया?